आपने ये वायरल वीडियो शायद देखी होगी जिसमें ये ट्रक ड्राइवर सोते हुए ट्रक चलाने की वजह से एक ट्रैक्टर से जा बढ़ता है। इंडिया में पूरी दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, पर दुनिया में होने वाले 11% एक्सीडेंट्स सिर्फ इंडिया में होते हैं, जो कि इंडिया को नंबर 1 कंट्री बनाते हैं एक्सीडेंट्स के मामले में। यहां हर साल 4 से 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें 70,000 से 1 लाख एक्सीडेंट्स के जिम्मेदार सिर्फ ट्रक्स ही हैं। और बाकी किसी भी गाड़ी के मुकाबले ट्रक एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें सबसे ज्यादा हैं। इंडिया में होने वाले टोटल ट्रक हादसों में ओवर स्पीडिंग, सोते हुए गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग मिलकर ही 50 से 60% हादसों के जिम्मेदार बन जाते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि ट्रक्स की छोटी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने पर ट्रक ड्राइवर्स को ही पीटा जाता है, पर इन एक्सीडेंट्स के होने में ट्रक ड्राइवर्स का जितना योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान फ्लीट ओनर्स का, आरटीओ ऑफिसर्स का और ट्रैफिक पुलिस वालों का है। मैं आपको इस वीडियो में वो सारे बड़े रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से ट्रक्स इतने लोगों की जान ले लेते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस मिलकर हर साल 48,000 करोड़ की रिश्वत कैसे लेते हैं इन ट्रक ड्राइवर से, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनती है एक्सीडेंट्स होने की, और ये भी जानेंगे कि इन सब से निपटने का सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं एक मेगा गिव अवे करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को अपनी फेवरेट कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। ये गिव अवे सभी के लिए होने वाला है, इसीलिए इसे मिस मत करना। रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी में 3.2% की साझेदारी रखती है, यानी कि इंडिया को चलाते रखने के लिए ट्रक्स का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ ट्रक्स का बहुत बड़ा योगदान एक्सीडेंट्स में भी है। इंडिया में होने वाले ट्रक एक्सीडेंट्स का पहला सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग, जो कि सारे ट्रक एक्सीडेंट्स का अकेला 41% जिम्मेदार है। सेफ लाइफ फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि इंडिया में सिर्फ 6% ऐसे ट्रक ड्राइवर है जिनके पास खुद का ट्रक है, और जो बचे हुए 94% ट्रक ड्राइवर्स हैं उनमें से ज्यादातर की सैलरी 10 से 20,000 रुपए के बीच में ही है। और अक्सर देखने में ये आता है कि ट्रक ड्राइवर्स की इतनी कम सैलरी होने की वजह से थोड़ा ऊपर से पैसा कमाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स अक्सर गाड़ी तेज चलाते हैं। इंडिया स्पेंड को एजाज अहमद नाम के ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि उनको लगातार और कई बार तेज गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर ट्रक टाइम से नहीं पहुंचता है तो डेली 200 रुपए कटते हैं पर आर के हिसाब से, और अगर इनका कंसाइनमेंट टाइम से पहले पहुंच जाता है तो 1,000 से 2,000 रुपए बोनस के तौर पर भी मिलते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि सारे ट्रक ड्राइवर्स को रिवॉर्ड मिले या उनके पैसे मारे जाएं। पर जैसा कि ऑलमोस्ट सारे ट्रक ड्राइवर्स ही नौकरी करते हैं, उनके बार बार लेट पहुंचने से उनकी नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है। इन वजहों के अलावा ओवर स्पीडिंग के कारण नशा करके गाड़ी चलाना, आरटीओ के चलान से बचना और एक बड़ा कारण थकान और नींद में गाड़ी चलाना भी है। नींद में गाड़ी चलाने की वजह से हर साल इंडिया में तकरीबन 39% ट्रक हादसे होते हैं। इंडिया में 1,000 ट्रक्स पर सिर्फ 750 ड्राइवर्स ही अवेलेबल हैं, और ड्राइवर्स की कमी होने की वजह से जो बचे हुए ड्राइवर्स काम कर रहे हैं उन पर हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है। इंडिया में ट्रक ड्राइविंग के आवर्स पर कोई भी लिमिट नहीं है। देवेंद्र सिंह, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, वो इंडिया स्पेंड को बताते हैं कि उन्होंने एक बार लगातार 3 दिन तक ट्रक चलाया था बिना रेस्ट करे, और वो ये भी बताते हैं कि वो तभी सोते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और अक्सर 2 बजे रात को सोकर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और ये हाल सिर्फ इन्हीं का नहीं, सभी ट्रक ड्राइवर्स का है। फ्लीट ओनर्स को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उनके ट्रक ड्राइवर किस हालत में ट्रक चलाते हैं, उनका बस माल टाइम से पहुंचना चाहिए। साइंस बोलती है कि अगर आप बहुत देर तक नींद रोकते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नींद में जा सकते हैं, और अगर एक ट्रक ड्राइवर सिर्फ 10 सेकंड के लिए सो जाए तो उसका ट्रक बिना असिस्टेंस से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लगभग 140 मीटर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर आपने भी ऐसा ट्रक ड्राइवर देखा है जो स्टीयरिंग पर ही सो गया हो। अगर हम इस ओवरवर्किंग की सिचुएशन को अमेरिका जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो पता लगता है कि वहाँ पे 11 घंटे ही गाड़ी चलाना अलाउड है, और उससे पहले भी 10 घंटे का रेस्ट लिया होना चाहिए। टेस्ला अपने फ्यूचर में आने वाले सेमी ट्रक में ड्राइवर असिस्ट भी देने वाला है, और वो बोल रहे हैं कि ये ट्रकिंग इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। पर क्या आप जानते हैं कि टेस्ला की ग्रोथ का फायदा आप भी उठा सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये वीडियो किस पर देख रहे हैं? YouTube, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फ़ोन में या तो iOS होगा या Android होगा। शॉपिंग आप किस वेबसाइट से करते हैं? Amazon? मूवीज आई एम श्योर Netflix पे देखते होंगे। और एक कार जो हम सब चलाना चाहते हैं वो है टेस्ला। जब डेली इन कंपनीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करते हो, इनके फाउंडर से इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? देखो, मैं तो बिलीव करता हूँ दैट वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट वी यूज़ डेली। इसीलिए मैं लास्ट काफ़ी महीनों से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई नो आप बोलोगे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे, और स्टॉक्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, एक स्टॉक $1,000 का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह INDMoney मनी ऐप यूज़ करते हो US स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि INDMoney ऐप से आप US स्टॉक्स फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और INDMoney पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट US कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। और मैं आप सभी को INDMoney के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। बस डिस्क्रिप्शन लिंक से INDMoney पर साइन अप करो और आपको टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर INDMoney इंस्टॉल करते हो तो बिट टेस्ला कोड साइन अप करते टाइम डालो और आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो, जब आप अपना US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हैं तो आपको फ्री US स्टॉक्स मिलते हैं। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड INDMoney ऐप को अभी साइन अप करो।
इंडिया में इतने सारे ट्रक एक्सीडेंट्स होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण नशा करके ट्रक चलाना है। ट्रक ड्राइवर्स ने खुद सेव लाइफ फाउंडेशन को बताया है कि उनमें से कई ट्रक ड्राइवर नशा करके ट्रक चलाते हैं और वो इसका तर्क ये देते हैं कि उनको लंबे समय तक बिना थके गाड़ी चलाने में मदद मिलती है। इसके अलावा साइट सेवर्स ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें उनको पता लगा था कि 93% से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको ढंग से दिखाई नहीं देता है। 42% ने तो ये खुद माना है कि उनको चलते ट्रक में रोड साइन देखने में परेशानी होती है और वो डिस्टेंस और हाइट ढंग से जज नहीं कर पाते हैं। ट्रक ड्राइवर जितनी गाड़ी दिन में चलाते हैं कई बार उससे ज़्यादा रात में चलाते हैं और ट्रकर्स की आंखें खराब होने का कारण इस रिपोर्ट में रात में पड़ती हाई बीम्स की तेज़ रोशनी को बताया गया है, जिसका जिक्र मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ। ट्रक एक्सीडेंट का चौथा सबसे बड़ा कारण है ओवरलोडिंग। अक्सर हम रास्ते में उल्टे पड़े ट्रक्स देखते हैं और इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि ये ट्रक सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से पलटा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट सारे ट्रक ड्राइवर्स ओवरलोडिंग करते हैं, कुछ कम तो कुछ बहुत ही ज़्यादा। ओवरलोडिंग करने से होता क्या है कि ट्रक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच जाती है और ट्रक के साइडवेज पलटने का खतरा बन जाता है और ऊंचाई चढ़ते वक्त ट्रक आगे से भी उठ सकता है। पर ये सब जब हमें दिखाई देता है तो पुलिस वालों को क्यों नहीं? इंडिया में प्राइवेट व्हीकल्स पर एक बहुत सख्त कानून है जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी के कांच पर ब्लैक टिंट हो रखी है तो आपका तुरंत चालान कट जाएगा और इस हिसाब से ऐसे ट्रक्स तो सीधा इंपाउंड ही हो जाने चाहिए। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका कारण है ट्रैफिक पुलिस और RTOs का बड़ा करप्शन। ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया में ट्रैफिक डिपार्टमेंट कितना करप्शन करता है, पर अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की तो RTO और ट्रैफिक पुलिस वाले मिलकर सालाना 48,000 करोड़ रुपए वसूल करते हैं इनसे और ये फिगर $6.7 बिलियन बनता है। यही करप्शन 2007-08 में 22,000 करोड़ का ही था, यानी कि पिछले 10 सालों में करप्शन बढ़ा है कम होने के बजाय। देखा जाए तो करप्शन ही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रक ड्राइवर्स ऑलमोस्ट हर ट्रिप पर पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं और इसका रीज़न सुनकर आप थोड़ा हैरान होने वाले हो। इस ग्राफ में देखने से समझ आता है कि टोटल रिश्वत का 40% बिना किसी वजह से लिया जाता है, यानी कि अगर आप ट्रक लेकर निकले हैं तो आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और भी रीजंस हैं रिश्वत देने के, जैसे बेल्ट ना पहनना, ओवर स्पीडिंग करना या रॉन्ग साइड पार्किंग करना। कुछ ट्रक ड्राइवर्स खुद बताते हैं कि वो अब किसी भी तरह के रूल का उल्लंघन करने से नहीं डरते हैं क्योंकि वैसे भी उनको बिना गलती के भी रिश्वत देनी ही है और उनके फ्लीट ओनर्स उनको रीइंबर्स कर देते हैं ये सारा पैसा। करप्शन की वजह से ही ट्रक ओवरलोडिंग के साथ भी चल सकते हैं, वो हैंगिंग लोड भी ले आ सकते हैं, ओवर स्पीडिंग भी कर सकते हैं और शराब पी के गाड़ी भी चलाई जा सकती है और ये सारे रीजंस एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। इसके अलावा ट्रक से दूसरी गाड़ियों को बचाने के लिए भी नॉर्म्स हैं और इन नॉर्म्स के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए ट्रक्स में, जैसे अंडर रन बार। अंडर रन बार एज नेम सजेस्ट मेटल की एक बार होती है जो ट्रक के साइड में और बैक में फिक्स्ड होती है। दरअसल ट्रक्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से और पीछे बहुत ज़्यादा ओवरहैंग होने की वजह से खड़े ट्रक की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने पर कार उसके अंडर राइड कर सकती है और इस कंडीशन में अच्छी खासी SUV के भी ए पिलर जवाब दे जाते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं और इसीलिए अंडर रन बार होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में बहुत सारे ट्रक ऐसे मिलेंगे या तो जिनमें ये होता ही नहीं है और अगर होता भी है तो ये सिर्फ दिखावे के लिए लगाया होता है, जबकि गवर्नमेंट ने पूरी डायरेक्शन दी हुई है इस चीज़ के ऊपर। इन बार्स को छोड़ो, हमारे देश के अंदर ट्रक्स की टेल लैंप भी काम नहीं करती है जिसकी वजह से रात में अक्सर कार्स खड़े ट्रक में घुस जाती हैं। इस वीडियो से एक बात समझ आती है कि ट्रक्स के साथ एक्सीडेंट होने पर जिन लोगों को पीटा जाता है वो तो छोटे गुनाहगार हैं, असली गुनाहगार तो वो फ्लीट ओनर्स हैं जो अपने ट्रक ड्राइवर्स को ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में अब्यूज़ करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरे गुनाहगार वो पुलिस कर्मचारी हैं जो अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में जैसे मर्जी ट्रक्स को चलने देते हैं सड़कों पर और उनको इंपाउंड नहीं करते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन सरकार के हाथ में ही है, जैसे ट्रक ड्राइविंग आवर्स को फिक्स करना चाहिए और ट्रक ओनर्स को भी इंसानियत दिखाते हुए अपने ड्राइवर से काम करवाना चाहिए। पर ये सारे सॉल्यूशंस फेल हो जाएंगे अगर करप्शन नहीं थमेगा, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो करप्शन पे लगाम लगाना ही है। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जाते जाते IND ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके टेस्ला के फ्री शेयर क्लेम करना मत भूलना। रिमेंबर द कोड बिट टेस्ला। IND मनी ऐप को ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज़ करते हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। सो अभी आप ऐप डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो, क्या पता आपको 10,000 रुपये का फ्री स्टॉक मिल जाए। And don't forget to like, subscribe and share this video.